Hello everyone, in this video lecture of microprocessor 8085, I am going to write assembly language program to arrange a data array in ascending order. यहाँ पे जो length of data array है वो कोई भी हो सकती है, तो मैं आपको एक general program लूँगी, बताऊँगी और वो आप किसी भी data set के लिए use कर सकते हो, ठीक। तो मैंने जो यहाँ पे example लिया है, यहाँ पे हमारे पास 5 data है in a data array, ठीक। तो नाउ अब हम सबसे पहले तो हमारा समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स है हमारे जो नंबर्स होंगे वो अरेंज होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स कि स्मॉलेस्ट नंबर पहले एंड लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट में, ठीक है। मीन्स कि अगर हम इसको अरेंज करें, ठीक है, अभी मैं सिंपल बताती हूँ कि अगर मुझे क्या आ जाए इसको अरेंज करने को, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, फर्स्ट 04, आफ्टर दैट 23, देन 28, देन 32 एंड देन C5। तो हमें यही ऑर्डर चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड लोकेशन क्या होगी, दिस विल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर, मीन्स कि 2051, और ये हमारा होगा 2055, मीन्स कि इसी मेमोरी लोकेशन पे हमें डेटा को सेव करना है, ठीक। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि हाउ मेनी कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड, ठीक। सपोज हमारे जो 5 नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स क्या हैं, 23, 32, 04, 28, C5। जब हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा तो एक नंबर को हम कंपेयर करेंगे विथ 4 अदर्स, मींस हाउ मेनी कंपैरिजन, लेट सी, 23 विल बी कंपेयर विथ 32, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 23। नाउ दिस 23 विल बी कंपेयर्ड विथ 4, नाउ विच वन इज द स्मॉलेस्ट, 04। नाउ दिस 04 विल बी कंपेयर विथ 28, नाउ विच वन इज द लोएस्ट, 04। नाउ 04 इज कंपेयर विथ C5, यहाँ पे क्या है C5, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, 04, मीन्स कि हमें फर्स्ट नंबर मिल गया, ठीक। नाउ हाउ मेनी कंपैरिजन डन, 1, 2, 3, 4। तो बेसिकली जब हम स्टार्ट करेंगे तो कंपैरिजन हमारा कितना होगा, काउंट से एक कम। तो जो मैंने फर्स्ट मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया है, दिस इज फॉर काउंट एंड दिस काउंट इज द काउंटर वैल्यू, मीन्स कि विच इज नंबर ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे मेरे काउंट का मीन्स है काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। और ये कंपैरिजन कितने होंगे, n माइनस 1, मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 फॉर दिस केस। अगर आपका डेटा सेट 10 डेटा का है तो वहां पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, 9, मीन्स कि 2050 पे इन दैट केस आप क्या सेव करोगे, 09। बट इन दिस केस हम यहाँ जो काउंट की वैल्यू लेंगे वो क्या फीड करेंगे, 04H। फर्स्ट नंबर मिल गया, तो नाउ हाउ मेनी काउंट्स आर देयर, 23, 32, 28, C5। नाउ अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ व्हाट इज द कंपैरिजन, एक को हम रिमेनिंग 3 के साथ कंपैरिजन करेंगे, मींस काउंट की वैल्यू डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, 3। मींस कि हमें हर बार काउंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 2 काउंटर्स लेंगे। याद रखना है कि इन बोथ केसेस नंबर ऑफ काउंट शुड बी सेम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ काउंट क्या है, सेम है। तो हम सपोज हमने 2 रजिस्टर लिए, काउंट रजिस्टर हमने लिया बी एंड सी, बोथ विल बी इक्वल और उनकी वैल्यू क्या होगी, 04H। किसी को भी आप इनसाइड ले सकते हो, आउटसाइड ले सकते हो, ठीक। तो नाउ अब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम किसको लोड करेंगे, काउंट को। काउंट का एड्रेस क्या है, 2050, तो हमने लिखा LXIH2050H, ठीक है। मींस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ HL पेयर, H20, यहाँ क्या होगा, 50, ठीक। नाउ अब हमने काउंट को सेव करना है इन रजिस्टर बी और एंड सी, तो हमने लिखा मूव बी कॉमा एम। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंटेंट ऑफ बी जो भी हमने इस लोकेशन पर डेटा सेव किया होगा मूव कर जाएगा। फॉर दिस एग्जांपल हमने सेव किया 04। सेम इन अदर काउंटर, तो हम क्या लिखेंगे, मूव सी कॉमा बी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन, कंटेंट ऑफ बी एंड कंटेंट ऑफ सी बोथ विल बी इक्वल टू 04H, ठीक। नाउ ये तो हमारा काउंटर सेट हुआ फॉर कंपैरिजन। नाउ अब हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। फर्स्ट डेटा हमारा कहाँ सेव है, एट 2051, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लाइन यूज करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे INXH। जैसे ही हमने INXH किया, तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ HL पेयर, HL पेयर की जो वैल्यू होगी वो होगी
51, ठीक है. दिस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन. नाउ अब हम फर्स्ट, दिस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट डेटा मीन्स 23. अब 23 को हम सेव करेंगे इन एक्यूमुलेटर मूव ए कॉमा एम, ठीक है. मीन्स कंटेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 23H. नाउ दिस 23 विल बी कंपेयर विथ 32. तो अब हमें क्या चाहिए, 32 चाहिए, तो उसके एड्रेस पे जाना होगा. तो हमने लिखा INXH. जैसे ही हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की, एच एल पेयर की वैल्यू क्या हो गई, 2052. मीन्स कि दिस इज द एड्रेस ऑफ 32. नाउ अब हम इसको सेव करेंगे किसी रजिस्टर में मूव डी कॉमा एम. हमने इसको कहाँ सेव किया, इन रजिस्टर डी. तो रजिस्टर डी की वैल्यू क्या होगी, 32H. नाउ वी हैव टू डेटा, ठीक है. सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, 23 and 32 को कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 23. तो अब इस कंपैरिजन के लिए हम इंस्ट्रक्शन क्या यूज़ करेंगे, CMPD. बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर डी विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक. इफ़ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज लेस देन कंटेंट ऑफ रजिस्टर डी, देन कैरी फ्लैग विल बी हाई, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन डी, देन सी एफ विल बी जीरो. बिकॉज ये बेसिकली कंपेरिजन सब्ट्रैक्शन करता है. अगर हम लेस से ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे तो बोरो इज रिक्वायर्ड. इफ बोरो इज रिक्वायर्ड तो सी एफ की वैल्यू क्या होगी, 1. और अगर एक्यूमुलेटर में नंबर हमारा स्मॉलेस्ट है तो हमें नंबर को स्वैप करने की जरूरत नहीं है. 23 था, वही फर्स्ट लोकेशन पे रहेगा, एंड देन हम इसको कंपेयर करेंगे विद द नेक्स्ट नंबर, ठीक है. मीन्स की 04 के साथ, ठीक. तो वो हम बाद में देखते हैं. बट कब स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, व्हेन ए इज लेस देन डी. ए इज लेस देन डी है तो कैरी फ्लैग क्या है, हाई है. मीन्स कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, JCL1. अगर कैरी थी है तो ये सीधे जंप करेगा नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप पे मीन्स कि एक कंपैरिजन डन हो गया, अब रिमेनिंग 3 कंपैरिजन करने हैं. तो कंपैरिजन के लिए हमने किसको लिया था, रजिस्टर सी को. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, DCRC. और प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे पहले तो हम लेवल डिफाइन कर देते हैं L1. आफ्टर डिक्रीमेंट हमें चेक करना है काउंट इज जीरो और नॉट. अगर नहीं जीरो है तो हमें प्रोसेस रिपीट करना है, मीन्स कि अगेन कंपैरिजन करने हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम JNZ और लेबल क्या डिफाइन करेंगे, L2, ठीक. ये तो केस उस केस में हुआ जब हमारा कैरी नहीं आती है. ये L2 हमारा कहाँ जाएगा, ये L2 हमारा होगा यहाँ पे. केस अगर हमारी कैरी नहीं आती है, मीन्स कि हमारा एक्यूमुलेटर, मीन्स कि अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, 32 यहाँ, 23 यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, 23. मीन्स कि हमें पोजीशन को स्वैप करना पड़ेगा. ये 23 कहाँ सेव होगा, 2051 में, ठीक. तो फॉर स्वैपिंग दिस हमें क्या करना होगा, अप करना है, मीन्स कि जो एक्यूमुलेटर में था, 2051 का डेटा, उसे हमें स्वैप करना है 2052 में. और जो डी का डेटा, मीन्स कि जो 2052 का डेटा था, उसे हमें स्वैप करना है 2051 में. मीन्स कि हमें ये इंटरचेंज करना है. ए का डेटा हमें डालना है 2052 में, एंड डी का डेटा 2051 में. तो फर्स्ट अभी हमारी जो करंट लोकेशन है, दैट इज़ 2052. तो हमें यहाँ पर किसका डेटा फीड करना है, एक्यूमुलेटर का. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मूव, ठीक है, एम कॉमा ए. तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी कंटेंट एक्यूमुलेटर में था वो कहाँ सेव हो जाएगा, इन 2052. नाउ अब हमें डी को सेव करना है इन 2051. एड्रेस इसका क्या है, लेस है 2052 से. मींस कि एच एल पेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट. तो हम यहाँ लिखेंगे DCXH. जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एच एल पेयर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2051. नाउ अब हम यहाँ पर डालेंगे डी का कंटेंट, मीन्स मूव एम कॉमा डी, ठीक. तो नाउ ये कंपैरिजन हो गया. बट नेक्स्ट कंपैरिजन हमें किसके साथ करना है, 53 के डेटा के साथ. तो 2051 से हमें फिर से इंक्रीमेंट करके कहाँ पहुँचना होगा, 2052, बिकॉज इन दोनों का कंपैरिजन डन हो गया. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, INXH. जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या हो जाएगा, 2052H, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस DCRC तो होना ही है. अगर ये जीरो नहीं है वैल्यू, तो हम वापस जाएंगे L2 पर एंड सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक. वंस सी विल बी जीरो, तो अब सी की वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो अब हमें किसे जीरो कर, किसे डिक्रीमेंट करना होगा, आउटर रजिस्टर को, आउटर काउंट को, मींस कि DCRB को. और इसके बाद अगेन हम चेक करेंगे JNZ को. इफ नॉट इज जीरो तो हम कहाँ जाएंगे, L3 पर. L3 क्या होगा, मीन्स कि सेम प्रोसेस को करना है, और वो L3 होगा दिस वन, ठीक है. ये आफ्टर दिस हमारा रिजल्ट मिल जाएगा,
और हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. ठीक. नाउ ये तो हमारा हो गया जनरल प्रोग्राम. बट अब हमने जो यहाँ पे लूप्स डिफाइन किए L1, L2, L3, तो जब आप इसको प्रोग्राम में टाइप करते हो, अगर आपने L1, L2, L3 लिखा तो वो एरर देता है. तो फॉर दिस एरर को रिमूव करने के लिए बेसिकली हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ दिस या रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन. तो हमें एड्रेस कैलकुलेट करने आने चाहिए. तो मैं एड्रेसेस बता देती हूँ क्योंकि मैं आपको ये प्रोग्राम सिमुलेटर पे रन करके भी दिखाऊंगी. ठीक. तो हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेस मैंने अज्यूम किया, मैं इसको लोड करूंगी एट 2000H पर. ठीक. दिस इज 3 byte इंस्ट्रक्शन. तो मूव के लिए जो एड्रेस होगा दैट इज 2003H. ठीक. नाउ मूव इज 1 byte. तो नेक्स्ट मूव के लिए एड्रेस होगा 2004H. नाउ INX, दिस मूव इज 1 byte. तो INX की एड्रेस क्या होगी, 2005H. ठीक. INX इज 1 byte. तो मूव के लिए क्या होगा एड्रेस, 2006H. नाउ मूव इज 1 byte. तो यहाँ क्या एड्रेस होगा, 2007H. नाउ दिस INX इज 1 byte. तो यहाँ क्या होगा, 2008H. नाउ दिस मूव इज अगेन 1 byte. तो यहाँ क्या एड्रेस होगा, 2009H. ठीक है. नाउ CMP इज 1 byte. तो यहाँ क्या एड्रेस होगा, 200AH. जंप इज 3 byte इंस्ट्रक्शन. तो ये लेगा ABC एंड यहाँ एड्रेस होगा 200DH. ठीक है. नाउ मूव इज 1 byte. तो यहाँ एड्रेस होगा 200EH. ठीक. नाउ DCX इज 1 byte इंस्ट्रक्शन. तो दिस मूव के लिए एड्रेस होगा 200FH. नाउ मूव इज 1 byte इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ क्या होगा, 2010H. नाउ DCRC मीन्स की INX इज 1 byte. तो दिस विल बी 2011H. नाउ DCRC इज 1 byte. तो यहाँ एड्रेस होगा 2012H. नाउ JNZ इज 3 byte इंस्ट्रक्शन. तो दिस विल बी 2015H. नाउ DCR इज 1 byte. तो नेक्स्ट JNZ इज 2016H. JNZ इज 3 byte. तो यहाँ क्या होगा, 2019H. दिस इज द कम्प्लीट प्रोग्राम. इट्स योर चॉइस कि आप ये एड्रेसेस लिखते हो. ठीक. बट हमें अगर प्रोग्राम लैब में कराना है तो दिस एड्रेस इज रिक्वायर्ड. तो L1 के लिए हम क्या एड्रेस हो जाएगा, L1 का एड्रेस है 2011H. ठीक है. यहाँ L2 का एड्रेस क्या है, 2006. मीन्स की 2006 को हम टाइप करेंगे. नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ L3? L3 का एड्रेस है 2004. ठीक है. नाउ ये तो हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया. मैं लेबल्स भी डिफाइन कर देती हूँ. दिस इज मेमोरी लोकेशन, दिस इज ऑप कोड, ये हमारे क्या हैं, ऑपरेंड. ठीक. ये मैंने क्या लिखे, लेबल. ठीक. और ये हमारा क्या आ जाएगा, मैंने कमेंट्स बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, आप इनको सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो. दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम. ठीक. नाउ अब मैं इसको आपको प्रोग्राम को रन करके दिखा देती हूँ. Thank you.